हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड मैं आप सभी के साथ एक एक्सेल शीट शेयर करूंगा जो कि मेरे काफ़ी फ्रेंड ने भी मुझसे मांगी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जो व्यूवर्स और सब्सक्राइबर हैं उनके साथ भी ये एक्सेल शीट में शेयर करूँ। और इस एक्सेल शीट में फ्रेंड जो कैलकुलेशन करते हैं वो हम करेंगे वाइनर कंटेंट टेस्ट के लिए। वाइनर कंटेंट टेस्ट, बिटुमन कंटेंट टेस्ट या एसफाल्ट मिक्स में जो बिटुमन मिलाते हैं उसका परसेंटेज कैलकुलेशन एज पर स्टैंडर्ड टेबल के अकॉर्डिंग आप कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक्सेल शीट मैंने आज आपके लिए बनाई है और वो आपके साथ में शेयर करूँगा फ्रेंड। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्सेल शीट में आप जो वैल्यू का फीडिंग करेंगे वो अभी कौन कौन सी वैल्यू आपको फीडिंग करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सबसे मैंने लेफ्ट टू राइट चलूँगा तो लेफ्ट मैंने यहाँ ले रखा है नेम ऑफ रोड, फिर चैनेज एंड सेक्शन के जो आपने सैंपल लिया है वो किस चैनेज या किस सेक्शन से लिया है तो वो आपको लिखना है। फिर सैंपल नंबर, सैंपल नंबर कौन सा है, कुछ भी आप आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। टाइप ऑफ बियरिंग कोर्स, सील कोट है, ओजीपीसी है, बिटुमिनस मैकाडम है, एचडीबीसी है, बीएम है, क्या है, आप टाइप ऑफ बियरिंग कोर्स वहाँ पर डाल दीजिए। डेट ऑफ टेस्टिंग, किस तारीख को आप टेस्ट कर रहे हैं वो डेट ऑफ टेस्टिंग आपको डालना है। यहाँ पे आपके टेस्ट का नाम वाइनर कंटेंट टेस्ट जो लिखा है वही लिख रहने दीजिए। सीरियल नंबर वन में आप चलेंगे तो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक सीरियल नंबर दे रखे हैं। सेकंड कॉलम में हमारा ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप जब टेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन क्या लेने हैं आपको, तो सबसे पहले हमने ले रखा है वेट ऑफ मिक्स बिफोर एक्सट्रैक्शन, बिटुमिन कंटेंट के लिए जो सैंपल आपने लिया उसका वेट आपने ले लिया है। फिर आपने ले रखा है वेट ऑफ फिल्टर पेपर बिफोर एक्सट्रैक्शन, फिल्टर पेपर जो आप यूज करेंगे उसका वेट बिफोर एक्सट्रैक्शन, वेट ऑफ मिक्स आफ्टर एक्सट्रैक्शन, उसमें जो सॉल्यूशन है बेंजीन है या पेट्रोल जिससे भी आप वाश कर रहे हैं उसमें वाश करने के बाद उसका एक्सट्रैक्शन किया और एक्सट्रैक्शन करने के बाद जो वेट आया वो है वेट ऑफ एक्सट्रैक्शन, वेट ऑफ फिल्टर पेपर आफ्टर एक्सट्रैक्शन, फिल्टर पेपर के वेट में जो आफ्टर एक्सट्रैक्शन वेट क्या है वो आपको नोट करना है। फिर वेट ऑफ फिल्टर, वेट ऑफ फिलर कलेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट आफ्टर अलाउइंग फॉर सेटिंग, ठीक है, जो आपका फिलर मटेरियल आया है जो आपका सॉल्यूशन आया उसको जब आप सेटिंग के लिए अलाउ कर देंगे तो उसमें से कितना आपका फिलर का वेट निकला है वो आपको वेट निकालना है। नंबर सिक्स है वेट ऑफ फिलर कलेक्टेड इन फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर में कितना फिलर आ गया है वो वेट है ये। और फिर सब सेवन नंबर पे है वेट ऑफ एग्रीगेट प्लस फिलर कलेक्टेड आफ्टर एक्सट्रैक्शन, और फिर एट नंबर पे है परसेंटेज ऑफ बिटुमिन, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन आपको लेने हैं। आपको याद रखना है जो बिटुमिन कंटेंट टेस्ट का एक सैंपल या एक टेस्ट आपका तीन सैंपल का रहेगा, तीन ऑब्जर्वेशन आपको लेने हैं तो आपका वो एक सैंपल कहलाएगा या एक टेस्ट आपका कहलाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे भी आप देख रहा होंगे मैंने जो मेरी सेल वाइट कलर में उनमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने, जो मेरी सेल जैसे ये सेकंड नंबर दो कॉलम नंबर दो मान लीजिए रो नंबर टू है, इसमें जो कॉलम है मेरे ये वाले जो ग्रीन कलर मैंने कर रखे हैं, ग्रीन कलर का मतलब ये चाहे तो आप इस पर चेंज कर लीजिए या नहीं चाहते तो आप इसको ये एटिट्यूड रहने दीजिए, क्योंकि वेट ऑफ फिल्टर पेपर जनरली 6 ग्राम के आसपास होता है। अगर आपके पास जो फिल्टर पेपर है उसका वेट अलग है तो आप वो वेट चेंज कर लीजिए, और अगर नहीं चाहते तो आप यही वेट रहने दे सकते हैं। जो वाइट सेल हैं उसमें चेंज नहीं करना है, केवल जो ग्रीन और येलो सेल हैं उसी में आपको चेंज करना है। ग्रीन सेल में चाहे तो चेंज कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। फिर नेक्स्ट है आपका वेट ऑफ मिक्स आफ्टर एक्सट्रैक्शन, उसको मिक्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपका कितना वेट आया है वो आपको इस सेल में फीड करना है। वेट ऑफ फिल्टर पेपर आफ्टर एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन के बाद फिल्टर पेपर का वेट क्या आया है वो आपको फीड करना है। और वेट ऑफ फिलर कलेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट आफ्टर अलॉन्ग सेटिंग, अगर आपने फिलर आपके मटेरियल में फिलर मिलाया है तो कितना फिलर वेट आपका आफ्टर सेटिंग के अलाउ होने के बाद, सेटिंग को अलाउ करने के बाद उसमें कितना फिलर वेट आया वो आपको यहाँ पे फीड करना है। ये भी जो फिलर अगर मिला है तो इसमें वैल्यू आएगी, नहीं तो आपको इसको जीरो कर देना है अगर फिलर आपने यूज नहीं किया है। जैसे हम एक कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, वेट ऑफ मिक्स आफ्टर एक्सट्रैक्शन है हमारा 458.6, इसको एडिट करते हैं हम 461
इसको ले लिया हमने 461.5, ठीक है, इसको एंटर कीजिए। नेक्स्ट, वेट ऑफ फिल्टर पेपर आफ्टर एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन के बाद हमारा फिल्टर पेपर का वेट कितना हो गया उसको हम मान लेते हैं 6.5। और वेट ऑफ फिलर कलेक्टेड इन फिल्टर, वेट ऑफ फिलर कलेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट आफ्टर अलाउइंग फॉर सेटिंग, इसको हमने ले लिया 1, ठीक है। तो आप देखेंगे हमारा जो बिटुमिन कंटेंट है वो इस वैल्यू के हिसाब से हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो ये एक्सेल शीट में आपको जो ग्रीन और येलो सेल हैं किस केवल वही वेट चेंज करने हैं, बाकी कैलकुलेशन आपको ये एक्सेल शीट ईजिली कैलकुलेट करके दे देगी। और आपकी जो एवरेज वैल्यू है तीनों सैंपल की, वो एवरेज वैल्यू भी आपको यहाँ निकल आएगी। जैसे एवरेज वैल्यू आई 7.55, हमारा लेयर है सील कोट की, और परमिसेबल लिमिट आप चाहें जो भी रख सकते हैं, अगर 8% 7% जो भी आपने, आपको एज पर आपका जो स्पेसिफिकेशन बोलता है वो परमिसेबल लिमिट आप लिख लीजिए। ओके फ्रेंड, तो ये एक्सेल शीट आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड, गुड बाय।